हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के लोक नृत्य और जो त्यौहार होते हैं उनके बारे में। तो इसके लिए जो है 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है, यानी जो कथकली है वो कौन से राज्य में होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास केरल, ओडिशा, असम और आंध्र प्रदेश। तो जो कथकली होता है वो केरल का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो मोहिनी अट्टम जो है वो केरल की ही शास्त्रीय नृत्य शैली है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो जो कुचिपुड़ी है उसके लिए हमारा ऑप्शन दिए गए हैं बिहार, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है कुचिपुड़ी उसका लोक नृत्य है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है। तो गरबा जो है ये लोक नृत्य शैली ये गुजरात में प्रचलित है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीहू लोक नृत्य किस राज्य की लोक नृत्य शैली है। तो जो बीहू है वो कौन सी लोक नृत्य शैली है और किस राज्य की है। तो ये है पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो बीहू जो है वो मुख्य रूप से असम की जो है लोक नृत्य शैली है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डांडिया है, ये इंडिया नहीं, ये डांडिया है, डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है। तो डांडिया जो है बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये मुख्यतः गुजरात का लोक नृत्य है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम लोक नृत्य शैली किस राज्य से प्रचलित है। कि भरतनाट्यम जो है वो कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर भरतनाट्यम लोक नृत्य किया जाता है। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है असम, मणिपुर, मिजोरम, तमिलनाडु। तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा तमिलनाडु। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेराव लोक नृत्य शैली कहाँ की है। तो इसके लिए हमें ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, मिजोरम। तो जो चेराव लोक नृत्य शैली है वो मिजोरम की है। कहाँ की है? मिजोरम की। और ये जो नृत्य शैली है ये क्या होती है कि जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर रखकर पीटते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नृत्य किस क्षेत्र की प्रमुख नृत्य है। तो ये जो नृत्य है इसके लिए ऑप्शन है हमारे पास गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल। तो ये जो नृत्य है ये भी केरल का ही लोक नृत्य है। उसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न है, मयूरभंज का छाव नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो ये मयूरभंज का जो छाव नृत्य है इसे जो है मुख्यतः छऊ नृत्य कहते हैं, और यह नृत्य जो है योद्धा अपने परंपरागत परिधान पहनकर जो है करते हैं। तो ये नृत्य है मुख्यतः उड़ीसा का। तो इसी के साथ हमारे 10 महत्वपूर्ण जो प्रश्न वो समाप्त होते हैं, और ये प्रश्न जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।